ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Is like you and shape of average fixed cost curve is rectangular hyperbola. Now we will see what is marginal cost and what is its shape. सीमांत लागत क्या होती है और इसका shape कैसा होता है, आकार कैसा होता है. So marginal cost is the cost of एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को सीमांत लागत बोलते हैं. ठीक है, मीन्स वेन वी प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द गुड वाट एवर चेंज इज देयर इन द टोटल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. यदि हम एक नई इकाई का उत्पादन किए हैं यानी हमने उत्पादन को बढ़ा दिया है तो कुल लागत में जो भी परिवर्तन आया है उसे कहते हैं सीमांत लागत. ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला. देयर आर टू फार्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत के दो दो फार्मूले हैं. पहला जो फार्मूला है वो है एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन. एम सी एन, एन मीन्स नंबर, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट विच फॉर विच वी नीड मार्जिनल कॉस्ट, जिसकी हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, जिसकी सीमांत लागत निकालनी है. एन उस नंबर को शो करता है, पांचवा छठवा दसवां एनी थिंग. टी सी एन टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट अप टू दैट नंबर ऑफ यूनिट, उस इकाई तक की जितनी भी टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, माइनस टी सी एन माइनस वन. एन माइनस वन मीन्स एन जितना भी है उसमें एक कम कर दें. ठीक है, इफ वी वांट टू गेट टोटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट देन फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, देन वी विल सब्ट्रैक्ट हियर टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, चार इकाइयों के उत्पादन की जो भी कुल लागत है उसको हम माइनस करेंगे. मतलब कहने का यही है कि पिछले वाले स्तर तक के उत्पादन का जो भी, कि जो भी कुल लागत है उसे हम माइनस कर देंगे. इफ वी वांट टू गेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth number of item, then we will subtract the total cost of previous, total cost up to previous number of items to that number of item. पिछले संख्या जो भी थी, पिछली इकाइयों तक जितनी भी मात्रा है उसमें हम माइनस कर दें, उसकी जो मतलब उसका जो कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देंगे जितने की हमें, जिस नंबर की हमें कुल, जिस नंबर की हमें सीमांत लागत निकालनी है उसकी कुल लागत में. एंड सो फर्स्ट फार्मूला इज यूज्ड व्हेन देयर इज, व्हेन इन द टेबल वन बाय वन प्रोडक्ट, वन बाय वन यूनिट इज गिवन, मीन्स द ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन सीक्वेंस, जितनी भी यूनिट्स हैं वो एक क्रम से दी गई हैं. ठीक है, कोई गैप नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव. इफ ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन सीक्वेंस देन वी विल यूज फर्स्ट फार्मूला. ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब एक एक करके इकाइयाँ बढ़ रही हैं, उनमें उनकी कॉस्ट दी हुई है, तीसरे की दी है, चौथे की दी है, पाँचवें की दी है, इस तरह से. बट इफ देयर इज सम गैप between the number of items which are given in the question, if in the question given that cost of, means total cost of five units
of production is equal to rupees 100 and total cost of 10 units of production is equal to rupees 160. अगर ऐसा करके दिया है कि पहले 5 इकाइयों का उत्पादन दिया है, 5 इकाइयों का उत्पादन दिया है और उनकी लागत दी है ₹100, और फिर सीधे 10 इकाइयों की लागत दी है ₹160, ठीक है, बीच में 6, 7, 8, 9 नहीं दिया है, देन वी विल यूज दिस सेकेंड फार्मूला डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू. डेल्टा टी सी मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी. सो चेंज इन टोटल कॉस्ट टी सी डेल्टा टी सी एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू. सो टी सी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 to 160. 160 रुपया टी सी हो गई है 100 रुपये से बढ़ के, तो डेल्टा टी सी यानी कुल लागत में परिवर्तन हुआ ₹160 - ₹100 अपॉन डेल्टा क्यू. सो क्वांटिटी हैज बीन इंक्रीज टू 5 यूनिट्स 5 इकाइयों से बढ़ के 10 इकाइयाँ हो गई हैं. तो हमने से निकाल लेंगे कितना कितना चेंज हुआ, ₹60 अपॉन 5 इज इक्वल टू ₹12. सो दिस विल बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट. ये जो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी इस तरह से निकलेगी. ये फार्मूला कब निकालना है, जब एक एक करके गैप नहीं दिया है. नाउ एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. हाउ वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, वी कैन गेट मार्जिनल कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट अप टू प्रीवियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन. जो पिछला प्रोडक्शन है उस तक की जो भी टोटल कॉस्ट है उसको इफ वी सब्ट्रैक्ट दैट कॉस्ट टू द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स देन वी कैन गेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी यूनिट. अगर हमें किसी भी इकाई की सीमांत लागत निकालना है तो उसके पहले तक का जितना भी प्रोडक्शन है, जिसके पहले का जितना भी उत्पादन हुआ है उस तक की टोटल कॉस्ट को उस वाले टोटल कॉस्ट में माइनस कर देना है. सो टोटल कॉस्ट हेयर इज गिवेन इन 4th कॉलम. दिस इज टोटल कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट TFCTVC. जब कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ते हैं तब ये चौथा वाला कलम बनेगा, सेकेंड और थर्ड को जोड़ेंगे तो, ठीक है. तो टोटल कॉस्ट दी है टू गेट मार्जिनल कॉस्ट इन द कॉलम नंबर 5. 5वें कॉलम में हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, सीमांत लागत निकालनी है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रीवियस नंबर ऑफ यूनिट्स टू नेक्स्ट नंबर ऑफ यूनिट. पिछले यूनिट तक की जितनी भी कॉस्ट है उसको हम अगले यूनिट की कॉस्ट में कुल लागत में माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है. सो बिफोर दिस देयर इज नथिंग, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं है, जीरो कुछ नहीं है. तो इसके पहले कुछ है ही नहीं है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है तो मीन्स जीरो. पहले वाले में कुछ नहीं होता है, ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट में हमें ध्यान देना है, पहले वाले में कुछ नहीं होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट. सो इन फर्स्ट रो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, फ्रॉम द सेकेंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 20 माइनस 10
1028 माइनस 20 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे क्या है कि उत्पादन की सीमांत लागत निकालना है, तो 28 में उसके पहले वाली जो कुल लागत है 20 माइनस कर दिया, पहली इकाई का निकालना है तो 20 में उसके पहले वाला 10 माइनस कर दिया, देन 34 माइनस 28, 38 माइनस 34 आंसर 4, 42 माइनस 38 4, 48 माइनस 42 ये 6, 56 माइनस 8 इज वो सॉरी 56 माइनस 48 इज 8। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट पता चल रही है, सीमांत लागत को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका भी निकालना है उसके पहले वाली को जो कुल लागत है उसको उससे संबंधित कुल लागत भी माइनस कर देना है। नाउ सी बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, इसका बिहेवियर कैसा है, बाकी सारे छोड़ दो, बाकी चारों कॉलम हटाओ, केवल लास्ट वाला कॉलम को देखते हैं, इसका बिहेवियर कैसा है। फर्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, वी सी दैट इन द इनिशियल फेज ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, देन वी सी मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। शुरुआत में उत्पादन के शुरुआती स्तर में तो सीमांत लागत कम हो रही है, लेकिन बाद वाले स्तर में क्या हो रहा है, सीमांत लागत बढ़ रही है। पहले सीमांत लागत कम हो रही है फिर बढ़ रही है, फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण या एक कारक के प्रतिफल के नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है कि सीमांत लागत पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, ठीक है। When we are in the first phase of production, then there will be increasing return of production, so our cost will fall। जब हम उत्पादन की पहले फेज में रहते हैं, फर्स्ट स्टेज में रहते हैं प्रोडक्शन के, तब क्या होगा, लागत हमारी कम होती जाएगी जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाएंगे, तो शुरुआत में लागत कम हो रही तो नीचे जा रहा है। देन व्हेन वी इंटर इन द सेकेंड फेज ऑफ प्रोडक्शन, अवर मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल, मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। सेकेंड फेज के प्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे ही हम आएंगे हम लेबर तो उतना ही लगा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन कम कर रहा है, ठीक है। वी आर गिविंग सेम अमाउंट सेम पेमेंट टू द लेबरर्स बट दे आर मेकिंग लेस रिटर्न, सो आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। हम उतना ही रुपया धन दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं मजदूर को, लेकिन मजदूर पहले से कम प्रोडक्शन कर रहा है सेकेंड फेज के उत्पादन में, उत्पादन का जब सेकेंड फेज में आएंगे तो फिर हमारी क्या लागत क्या होगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कॉस्ट फर्स्ट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, पहले सीमांत लागत कम होती है फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की वजह से। नाउ हाउ द शेप ऑफ दिस टेबल विल बिकम, हाउ द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बिकम, अब ये मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा होगा, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे इसमें बना है 10 ऊपर रहेगा, 8 नीचे रहेगा, 6 नीचे रहेगा, 4 और नीचे रहेगा, फिर 4 6 8 16 हो जा रहा है, तो ऐसा ही रहेगा। ये कौन सा शेप बनेगा, यू, ठीक है। शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो लाइक यू, यू की तरह ही इसका भी शेप होता है, जैसे एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सो ऑन द एक्स एक्सिस यूनिट्स मीन्स आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर गिवेन ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पर इकाइयां दी गई हैं, जिन इकाइयों का उत्पादन हो रहा है उनकी संख्या एक्स एक्सिस पर दी गई है, एंड ऑन वाई एक्सिस द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवेन इन रुपीज, रुपए में हमने मार्जिनल कॉस्ट को लिख रखा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे
हो गई इकाइयाँ। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द एक्स एक्सिस देन नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज बट मार्जिनल कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग देन इंक्रीजिंग। जब हम यहाँ पे बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो इकाइयाँ जो हैं उत्पादन की इकाइयाँ वो तो बढ़ेंगी, इधर ज़्यादा होंगी और इधर 0, 1, 2, 3 से शुरू हो जाएंगी। ऐसे कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन वी गो अप इन द वाइक्सिस, वाइक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, कॉस्ट जो है पहले गिरती है फिर बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ एनी मीन्स मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स देन राइजेज। सीमांत लागत पहले कम होती है और फिर बढ़ती है, यहाँ से ये नीचे गई कम हुई फिर ऊपर आई बढ़ गई। ठीक है, तो बोथ कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व बोथ आर यू शेप्ड, औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र दोनों यू आकार के होते हैं। नाउ एमसी इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, एमसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे है अभी दिखाते हैं हम, परिवर्तनशील लागत ही केवल एमसी में आती है, मार्जिनल कॉस्ट में आती है। अभी हमने एमसी का फॉर्मूला बताया, एमसी मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत में आए हुए परिवर्तन को सीमांत लागत बोलते हैं। यही फॉर्मूला है एमसी का, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का। नाउ टोटल कॉस्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ आइटम्स, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सही है ना फॉर्मूला, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में? सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, वी नो दैट फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, कुल लागत वक्र या कुल लागत, मान लो कुल स्थिर लागत, वक्र नहीं, कुल स्थिर लागत क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, स्थिर होती है, कॉन्स्टेंट होती है, स्थाई होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टी, फर्स्ट वी ओपन दिस ब्रैकेट, पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं, टी एफ सी एन माइनस टी एफ सी एन माइनस वन देन टी बी सी, यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, प्लस वन मिनट्स वन सही तो था, ये यहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे नहीं। यहाँ पे प्लस होगा और वहाँ पे माइनस होगा, अब सही हो गया। सो दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ आइटम एंड टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन नंबर ऑफ आइटम।
TFC n minus TFC n minus 1 plus TVC n minus TVC n minus 1। ठीक है, इसके पहले ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। नाउ वी नो दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, मींस टी एफ सी एन एंड टी एफ सी एन माइनस वन बोथ आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन, ये बचेगा फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ आइटम। मीन्स वी कैन गेट मार्जिनल कॉस्ट इफ वी सब्ट्रैक्ट टी वी सी ऑफ एन माइनस वन नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम टी वी सी एन नंबर ऑफ आइटम। अगर एन नंबर की एन संख्या तक की हमें कुल लागत पता है तो उसमें एन माइनस एक यानी उससे पहले वाली संख्या तक की कुल परिवर्तनशील लागत माइनस कर दें तो हमें सीमांत लागत पता चल जाएगी। ठीक है, तो केवल हम वेरिएबल कॉस्ट के जरिए ही ये निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, टोटल कॉस्ट तो हर जगह इक्वल होती है, वो कैंसिल हो गया। सो वी कैन से मार्जिनल कॉस्ट इज ऑनली चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, उसी की वजह से कुल लागत में चेंज आता है। वह टोटल कॉस्ट चेंज होती तो किसकी वजह से, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड है, सेम है, वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होना है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। सो इफ वी एड मार्जिनल कॉस्ट देन वी कैन गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वी डोंट गेट टोटल कॉस्ट। अगर हम सिग्मा एम सी करेंगे तो टी वी सी आएगा, टी सी नहीं आएगा। टी सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी रहती है और मार्जिनल कॉस्ट केवल वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। सो द टोटल एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का जोड़ क्या होता है, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट शोज ओनली वेरिएबल कॉस्ट, सीमांत लागत से केवल वेरिएबल कॉस्ट ही पता चलती है, परिवर्तनशील लागत ही पता चलती है, क्योंकि सीमांत लागत का मतलब ही है कुल लागत में परिवर्तन। परिवर्तन कब आएगा, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा। सो इफ वी एड मार्जिनल कॉस्ट वी विल गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट बिलो एनी पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट कर बिलो एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अप टू दैट नंबर ऑफ आइटम्स, दैट नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अगर सीमांत लागत वक्र में देखा जाए तो सीमांत लागत वक्र के नीचे पे कोई भी बिंदु बनाए, उस बिंदु के नीचे जितना भी एरिया है वहाँ तक के प्रोडक्शन का, वहाँ तक जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उसके कुल लागत के बराबर हो रहा होगा। इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग एल नंबर ऑफ आइटम्स, अगर हम एल नंबर जो लिखा है यूनिट्स आउटपुट नीचे, हम अगर इतना उत्पादन करें देन टोटल कॉस्ट ऑफ ओ एल आउटपुट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ के एस एल। ओ एल यूनिट्स का अगर उत्पादन हो रहा है तो इसका एल के ऊपर जो पॉइंट बना है यहाँ पे एस, इसके नीचे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जितना भी एरिया कवर कर रही है इसमें, उस सब का एरिया क्या होगा, इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अप टू
ओएल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अभी इसमें किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इसका एरिया निकालेंगे तब टीवीसी के बराबर हो जाएगा। टीवीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ एल एस के। तो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट, टीवीसी ऑफ ओ एल विल बी एरिया ऑफ ओ एल एस के इक्वल्स टू सिग्मा एम सी। शॉर्ट पीरियड एम सी कैन बी एस्टिमेटेड इधर फ्रॉम टी वी सी और फ्रॉम टी सी। हम अभी तो देख लिए हैं टी सी से भी, अभी ये जो बताए थे ना वही चीज़ है, चाहे टी सी से निकाल लें चाहे टी वी सी, दोनों का डिफरेंस एम सी के बराबर होगा, ठीक है। ये जो अभी करके देखे थे वही चीज़ है ये। Now relation between average marginal and total cost means relation between average cost and marginal cost, total cost and marginal cost. हमें marginal cost के साथ average cost, औसत लागत और कुल लागत का संबंध देखना है, ठीक है। Relation between average cost and marginal cost, relation between total cost and marginal cost, ये चीज़ें देखनी है। तो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट पहले दिया है, मार्जिनल और एवरेज का। सो सी व्हेन बोथ आर डिक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, वी सी दैट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, बहुत अब ये ध्यान से ये सारे पॉइंट नोट करना है, बुक में लिखे हैं वैसे। औसत लागत जब घट रही है सीमांत लागत भी घट रही है, जब दोनों चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, सीमांत लागत औसत लागत से कम है। हेयर एवरेज कॉस्ट इज 20, हेयर मार्जिनल कॉस्ट इज 10, ठीक है। देन एवरेज कॉस्ट इज 20, मार्जिनल कॉस्ट इज 8, एवरेज कॉस्ट इज 11.3, मार्जिनल इज 6, 9.5 4, 8.4 4, 8 6। नाउ इट इज इंक्रीजिंग। पहली चीज हमने क्या देखा कि जब एवरेज कॉस्ट घट रही है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से कम है, या जब दोनों घटती होती हैं तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे ही रहती है, ठीक है। नाउ वी सी दैट एवरेज कॉस्ट इज स्टिल फॉलिंग बट मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग हेयर एट द प्रोडक्शन ऑफ सिक्स्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। वी सी दैट मार्जिनल कॉस्ट हैज इंक्रीज बट एवरेज कॉस्ट इज स्टिल फॉलिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं छठवीं इकाई के उत्पादन में किस एवरेज कॉस्ट जो है, औसत लागत जो है अभी भी कम हो रही है, सीमांत लागत बढ़ जा रही है, ठीक है। इट मींस एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस फर्स्ट, पहले एवरेज कॉस्ट में बढ़त शुरू होती है। फर्स्ट एवरेज कॉस्ट स्टार्ट टू मूव और बिगिन टू मूव अपवर्ड, पहले जो है सीमांत लागत ही बढ़ना शुरू होगी, पहले औसत लागत बढ़ना नहीं शुरू हुई है। दूसरी चीज़ हमने देखी है, जब दोनों घटते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कम रहती है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा रहती है। अब जब बढ़ने का नंबर आता है तो कौन पहले बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। नाउ नेक्स्ट एट द प्रोडक्शन ऑफ सेवेंथ यूनिट वी सी दैट बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर इक्वल। After this point, marginal cost also starts increasing.
सातवें नंबर पे, सातवें नंबर के उत्पादन पे हम देख रहे हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर हैं। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो है औसत लागत बढ़ना शुरू हो जा रही है, ठीक है। तो इट मीन्स एट द प्रोडक्शन ऑफ 7 यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। जब 7 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब है उस समय औसत लागत न्यूनतम है, 7 इकाइयों पर न्यूनतम है। एंड एट इट्स मिनिमम लेवल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जब इसका न्यूनतम स्तर आता है तो सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर हैं। औसत लागत जब अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंचेगी तो ये सीमांत लागत के बराबर हो जाएगी, ठीक है, और इसके बाद ही बढ़ना शुरू होगी। तो क्या क्या पता किया, चार बातें पता की हैं, ठीक है, औसत लागत और सीमांत लागत के बारे में, कार्य में बाद में देखेंगे, ठीक है। पहली चीज, व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी, पहली चीज ये पता की है। या कभी कभी लिखा हो सकता है, व्हेन बोथ एसी एंड एमसी बोथ आर फॉलिंग देन एसी विल बी बिलो एमसी। जब एसी और एमसी दोनों कम हो रही हो या एसी घट रही हो तब एमसी जो है नीचे रहेगी एसी की। वाट एवर चेंज विल अकर फर्स्ट अकर इन एमसी, एसी दैट चेंजेस विल बी सीन इन एसी आफ्टर सम टाइम। जो भी चेंज होगा पहले एमसी में होगा, एसी में बाद में चेंज होगा। तो जब दोनों कम हो रहे हैं तो पहले एमसी ज्यादा कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। तो व्हेन एमसी स्टार्ट राइजिंग एसी में स्टिल बी फॉलिंग, जब एमसी घट बढ़ना शुरू होगा तो एसी हो सकता है अभी घट ही रहा हो, यानी दोनों एक साथ बढ़ना नहीं शुरू होते हैं। अब जब बढ़ने की बात आएगी, व्हेन एसी स्टार्ट राइजिंग, व्हेन एसी राइजेज एमसी इज ग्रेटर देन एसी। एमसी तो पहले बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ने का नंबर भी एसी में पहले आता है। तो अगर एसी जो है बढ़ेगा तो बाद में बढ़ना शुरू होगा, एमसी पहले बढ़ना शुरू होगा तो एमसी ऊपर पहुंच जाएगा पहले से ही, ठीक है। व्हेन एसी एसी राइजेस एमसी विल बी ग्रेटर देन एसी एंड एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एसी, एसी एंड एमसी बोथ विल बी इक्वल। जब एसी लोवेस्ट पॉइंट पर होगी तो एसी और एमसी दोनों बराबर होगी। आफ्टर दिस पॉइंट एसी विल ऑलवेज राइज, इस पॉइंट के बाद एसी फिर हमेशा बढ़ती रहेगी। एक बार मिनिमम लेवल पे पहुंच गई, मिनिमम लेवल कब आएगा, जब एसी और एमसी दोनों आपस में बराबर हों, इक्वल हों, ठीक है। अब यही चीजें फिर ग्राफ में भी देखते हैं। एसी एंड एमसी बोथ आर यू शेप्ड कर्व, दोनों यू शेप्ड कर्व होती है, हमने पहले पढ़ा था एसी के बारे में, कल पढ़ा था। एसी इज ऑल्सो यू शेप्ड, एमसी इज ऑल्सो यू शेप्ड, सो एमसी इज बिलो एसी व्हेन बोथ आर फॉलिंग, और एसी इज फॉलिंग, जब एसी कम हो रहा है या जब दोनों कम हो रहे हैं तो एमसी जो है नीचे रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस क्यों है, ये नीचे क्यों रहता है, क्योंकि एसी में तो फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ी है, इसलिए एसी शुरू में ऊपर है। तो एसी ऊपर से शुरू हो रहा है और एमसी नीचे से शुरू हो रहा है। नाउ एसी स्टार्ट राइजिंग बिफोर, सॉरी एमसी स्टार्ट राइजिंग बिफोर एसी स्टार्ट, एसी के बढ़ने से पहले एमसी बढ़ना शुरू हो जाता है। एमसी बिगिंस टू राइज एट पॉइंट एफ, आफ्टर पॉइंट एफ एमसी इज राइजिंग। एफ बिंदु के बाद एमसी बढ़ रहा है, बट एट दिस पॉइंट, एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट एसी इज स्टिल फॉलिंग। इस लेवल पर
इस उत्पादन स्तर पर एसी अभी भी गिर रहा है, यानी एमसी पहले बढ़ना शुरू होता है। एट Q1 लेवल ऑफ आउटपुट बोथ एसी एंड एमसी आर इक्वल। Q1 लेवल जहाँ पे उत्पादन चल रहा है वहाँ पे औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर है। सो बिफोर इट एमसी वाज बिलो एसी, सो एमसी इंटरसेक्ट एसी फ्रॉम बिलो। एमसी जो है एसी को कहाँ से काटता है, नीचे से आके काटता है, नीचे से काट के ऊपर चला जाता है। आफ्टर दिस पॉइंट मीन्स दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ एसी, ई इज द मिनिमम लेवल ऑफ एसी, ई जो है औसत लागत का न्यूनतम स्तर है। एट दिस पॉइंट बोथ एसी एंड एमसी विल बी इक्वल एंड आफ्टर दिस पॉइंट एसी विल इंक्रीज। इस पॉइंट के बाद एसी बढ़ेगा तो एसी वाली कर्व ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब लोग ध्यान से सोचना, पहले ये ध्यान से समझ लो कि एसी और एमसी कब बराबर होंगे, जब एसी जो है मिनिमम होगी तब। ठीक है, तब एसी और एमसी बराबर होंगे। आप सब लोग क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मिनिमम लेवल ऑफ एसी, द मिनिमम लेवल ऑफ एसी मीन्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज ₹10 पर यूनिट व्हेन अ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड। जब एक उत्पादक 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो न्यूनतम औसत लागत का स्तर होता है जिस समय ₹10 प्रति इकाई की लागत आती है। ₹10 प्रति इकाई की लागत आती है जो न्यूनतम औसत लागत है। कब आती है, जब 50 इकाइयों का उत्पादन होता है। ठीक है, व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। 50 इकाइयों के उत्पादन की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कोई बता सकता है? कोई भी, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी, जरा सा बस दिमाग लगाना है। When the producer is producing 50 units, average cost is minimum and it is equals to ₹10 per unit. It is equal to ₹10 per unit. What will be the marginal cost of 50th unit of production? 50 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और इस स्तर पर औसत उत्पादन लागत न्यूनतम है ₹10 प्रति इकाई है। अब 50वीं इकाई की सीमांत लागत क्या होगी, किसी को नहीं पता है? अभी हमने क्या बोला, जब एसी मिनिमम रहेगी तो किसके बराबर रहेगी, एसी मिनिमम रहेगी तो एमसी के बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, सीमांत लागत के बराबर होगी। तो 50 इकाइयों का जो भी मिनिमम एवरेज कॉस्ट है वही मार्जिनल कॉस्ट भी है। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 50th यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹10। 50वीं इकाई की सीमांत लागत कितना हो जाएगी, ₹10 हो जाएगी। सब लोग ध्यान से सुने, रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी, रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी बोथ आर सेम एज द रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी और एमसी के जो भी हमने संबंध अभी पढ़े हैं ऊपर, बिल्कुल वही संबंध एवीसी और एमसी की भी हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, एवीसी जो है वो थोड़ा नीचे बनती है, वो एसी की अपेक्षा नीचे बनती है। एसी जो है थोड़ा ऊपर रहती है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो एडेड इन वेरिएबल कॉस्ट।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी जुड़ जाता है, तो एसी कॉस्ट बस थोड़ा ऊपर से आती है और ऊपर से काटती है, ऐसी ऐसे होगी तो उसके नीचे होगी एवीसी, बस ये यही डिफरेंस है। बाकी सारी चीजें हैं बिल्कुल सेम टू सेम, वही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी एंड रिलेशन बिटवीन एवीसी एंड एमसी, बोथ आर सेम। इन द बिगनिंग ऑफ प्रोडक्शन व्हेन एसी इज फॉलिंग, शुरुआत में उत्पादन के शुरुआत में जब एवीसी इज फॉलिंग, जब एवीसी औसत परिवर्तन लागत कम होती है, एट दैट टाइम मार्जिनल कॉस्ट विल बी बिलो एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। शुरुआत के समय क्या होगा, औसत परिवर्तनशील लागत से कम रहेगी मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल वही है, उसमें एवीसी की जगह एसी हो जाता है, ठीक है। एंड एमसी विल स्टार्ट राइजिंग बिफोर एवीसी स्टार्स, एवीसी के ऊपर बढ़ने से पहले, एवीसी के बढ़ने से पहले ही एमसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। व्हेन एवीसी इज मिनिमम इट विल बी इक्वल टू एमसी, जब एवीसी मिनिमम होगी तो ये एमसी के बराबर होगी, उसमें था एसी मिनिमम पॉइंट पे इस एमसी के बराबर होती है, इसमें एवीसी मिनिमम पॉइंट पे एमसी के बराबर होती है, एंड दिस पॉइंट एवीसी एंड एमसी विल बी इक्वल, एवीसी और एमसी दोनों बराबर होंगी जब मिनिमम पॉइंट पे, एंड आफ्टर दिस पॉइंट एवीसी विल राइज एंड एमसी विल बी अबव एवीसी। इस पॉइंट के बाद जब एक बार एवीसी और एमसी बराबर हो गए, इसके बाद क्या होगा, एवीसी जो है बढ़ना शुरू होगी और एमसी इसके ऊपर रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर रहेगी, ज्यादा रहेगी। नाउ रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दिस विल बी टॉट इन नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में कल उसको बताएंगे, अभी जितना है उसको ध्यान से पढ़ना, अभी सारी जो जितनी भी कर्व पढ़ी हैं सब एक साथ ही आएंगी लास्ट में, अभी तो सब अलग अलग है, रिलेशन बिटवीन एवीसी एमसी, रिलेशन बिटवीन एसी एमसी, अभी लास्ट में क्या होगा, सबकी सब टीसी टीवीसी टीएफसी एसी एबीसी एमसी सब एक साथ बताई जाएंगी कहाँ पे कैसे हैं, और इनका जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कर्व वाले में कब कहाँ पे कौन सी बढ़ती है घटती है, कौन सी ऊपर जाती है कौन सी नीचे जाती है। जैसे प्रोडक्शन वाले में था, मार्जिनल कॉस्ट जो है पहले ऊपर रहती है फिर नीचे हो जाती है, इसमें उसका उल्टा है, मार्जिनल कॉस्ट पहले नीचे रहती है फिर ऊपर हो जाती है, तो ये सब चीजें ध्यान देना है, इसके कर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल भी इससे आएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का यही है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट।